चंगेज का आजकल नहीं होता। ये लौड़ी है कौन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, मूवी चंगेज, मूवी किसी की भाई किसी की जान और मूवी बीरू पक्षा, तीनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे दो दिन कंप्लीट हुई हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इन तीनों ही मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले अगर बात करें भाईजान सलमान खान की मूवी किसी की भाई किसी की जान मूवी के बारे में, तो दोस्तों किसी की भाई किसी की जान इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 135 करोड़ रुपए। डायरेक्टली कलेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों, मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन यानी कल इस मूवी ने जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 12 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, भाईजान सलमान खान की मूवी किसी की भाई किसी की जान ने अपने रिलीज के पहले दिन जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 12 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे दिन यानी दोस्तों आज की कमाई की, तो दोस्तों आज ईद है और कलेक्शन के मामले में आज थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं। इवन आज जो कमाई होने लगे है इस मूवी के किसी की भाई किसी की जान मूवी ने जो नेट कमाई होने लगे है मूवी के दूसरे दिन में यानी आज पूरे 19 करोड़ रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 31 यानी 31 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 38 करोड़ रुपए। और इन दो दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे लगभग 16 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों भाईजान सलमान खान की मूवी किसी की भाई किसी की जान ने अपने इन शुरुआती सिर्फ दो दिनों में ही टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 54 यानी 51 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है किसी की भाई किसी की जान मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 54 करोड़ रुपए। यहाँ पे दोस्तों बात करें मूवी चंगेज के बारे में जो मूवी कल रिलीज हुई थी। दोस्तों चंगेज एक बंगाली मूवी थी लेकिन कल ये मूवी हिंदी पे भी रिलीज हुई थी। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी के बजट बहुत कम थे, मूवी बन के रेडी हुआ था पूरे 5 करोड़ रुपए में और मूवी के प्रिंट एंड पब्लिसिटी कॉस्ट पूरे 2 करोड़ रुपए। तो इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 7 यानी 7 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जानकारी देते चले, ये मूवी इंडिया के अंदर बहुत ही कम स्क्रीन के साथ रिलीज हुआ था पूरे 774 स्क्रीन में। और ये मूवी ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर रिलीज नहीं हुआ था। और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने डिसेंट ओपनिंग ली थी। कल इस मूवी ने बंगाली पे जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 25 यानी 25 लाख रुपए और हिंदी पे नेट कलेक्शन किया था अपने रिलीज के पहले दिन पूरे 10 लाख रुपए। यानी चंगेज मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन जो नेट कलेक्शन किया था टोटल नेट कलेक्शन पूरे 35 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे दिन यानी दोस्तों आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज ईद होने के कारण कलेक्शन के मामले में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलने लगे हैं। इवन आज जो इस मूवी के कमाई होने लगे हैं बंगाली और हिंदी पे पूरे 80 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 1 करोड़ 15 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। और जबकि ये मूवी ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर रिलीज नहीं हुई थी। तो दोस्तों यही है चंगेज मूवी के दो दिनों का टोटल नेशन वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है चंगेज मूवी के दो दिनों का टोटल नेशन वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मूवी बीरू पक्षा के बारे में जो कल रिलीज हुई थी, तेलुगु मूवी है, और आपको बताना चाहूंगा मूवी ने सिर्फ दो दिनों में ही अपने बजट से ज्यादा रिकवरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मूवी के टोटल जो बजट थे पूरे 20 करोड़ रुपए और इस मूवी के वर्ल्ड वाइडली थिएटरिकल राइट्स बिके थे पूरे 25 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों इस मूवी को हिट होने के लिए पूरे 26 करोड़ के ऊपर कलेक्शन चाहिए था। लेकिन कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने अपने
रिलीज के पहले दिन यानी कल इस मूवी ने जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 7 करोड़ 40 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज ईद होने के कारण कलेक्शन के मामले में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलने लगे है। आज जो कमाई होने लगे है इंडिया बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ नेट कलेक्शन करने लगे पूरे 8 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों मूवी के 2 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 15 करोड़ 90 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 2 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 21 यानी 21 करोड़ रुपए। और इन 2 दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी दोस्तों इंडिया के बाहर से पूरे 5 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों सही धर्म तेज स्टार मूवी वीरूपक्ष ने अपने इन शुरुआती सिर्फ 2 दिनों में ही टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन किया है पूरे 26 यानी 26 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है वीरूपक्ष मूवी के 2 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 26 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही थे तीनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, टेक केयर, बाय दोस्तों।